महामारी संबंधित यदि आपको कोई समस्या है तो ये वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। देखिए महामारी का समस्या का मतलब ये है कि या तो खून का ज्यादा आना या बहुत कम होना, एमोनोरिया कहते हैं, और दूसरा जो है ज्यादा रक्तस्राव होना। जैसे आपका किसी का है कि 5 दिन साइकिल नॉर्मल होना चाहिए, जैसे आपका 28 तारीख को होता है तो अगले महीने वो 2-3 दिन पहले होता है, लेकिन यदि 5-6 दिन पहले हो गया तो मतलब प्रीमैच्योर हो गया, सबसे पहले हो गया। या कई लोगों का ऐसा होता है कि महामारी का डेट निकल जाता है, लेट में होता है, तो भी एक कारण है जो ठीक नहीं है। तो जब पहले हो जाना या बाद में होना, डेट के हिसाब से नहीं होना। और दूसरी बात, महामारी की ज्यादा होना या कमी होना, तो ये दोनों भी ठीक नहीं है। कुछ लोगों को जब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसमें बहुत पेनफुल होता है, बहुत कष्टप्रद होता है, वो भी ठीक बात नहीं है। सहज भाव होना चाहिए, नेचर का प्रक्रिया है। कुछ लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल से कुछ दिन पहले बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं। कुछ लोग एकदम लेजी फील करते हैं और बहुत थकान महसूस करते हैं। तो ये सभी जो चीजें होते हैं, दे आर ऑल एबरेशंस, मतलब ये चीजें जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्रकृति दत्त स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसको ये सहज ढंग से होना चाहिए, ना इसमें कुछ परेशानी होना चाहिए, ना दुख होना चाहिए। आपने देखा होगा जो ट्राइबल लोग होते हैं या गांव के लोग होते हैं, उनमें ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम ज्यादा पाई नहीं जाती है, शहरों में पाई जाती है। मेबी द पोल्यूशन, द वर्क का स्ट्रेस जो होता है, ये सब कारण तो है ही है। हम बात करने वाले हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉजेस क्या आ सकते हैं और रुद्राक्ष भजन क्या आ सकता है, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। देखिए आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है जो कि नाभि से नीचे है, और स्वाधिष्ठान चक्र का जो स्थान होता है ये आपका जो गर्भाशय है, वो है उसके ठीक ऊपर होता है, ये आपका स्वाधिष्ठान चक्र। जो आपका मूलाधार चक्र होता है लेडीज के लिए, इट इज अबाउट 2 inches इनसाइड द वजेना, दैट इज द स्थान, दैट इज द प्लेस फॉर द मूलाधार चक्र। तो ये मूलाधार चक्र में जो एनर्जी काम करती है ये है मार्स राहु, ये बड़ी हीट की एनर्जी है, और उसके ठीक ऊपर जो स्वाधिष्ठान चक्र है वहां दो एनर्जी काम करती है, ये है वीनस, शुक्र और चंद्रमा, मून। तो जब अपने चार्ट में वीनस का इशू हो तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, साइकिल्स का डिसऑर्डर तो होना स्वाभाविक है। और मून जो कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, क्योंकि चंद्रमा ही कंट्रोल करता है मन को और हमारे शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसको करता है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा जो है ये जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है, और अर्थ एलिमेंट है मार्स एंड राहु। अर्थ एलिमेंट इसलिए कि आप जानते हैं कि धरती के अंदर जो लावा होता है, एक्सट्रीम हीट होता है धरती के अंदर में, ड्यू टू द टेक्टोनिक प्रेशर अंदर बहुत गर्मी होती है, और वही चुंबकीय शक्ति बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो आपकी माध्यम शक्ति है, ग्रेविटेशन फोर्स उसी ऊर्जा से आता है। तो ये मार्स और राहु संबंधित है। तो जब चार्ट में मंगल और राहु का कोई इशू हो या शुक्र और चंद्रमा वीनस और मून का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल डिजर्ट हो सकता है, पहले हो सकता है, लेट हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्केंटी हो सकता है, पोरस काफी ज्यादा हो सकता है, या होते समय बहुत तो आपको परेशानी, दुख, फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, हेल्पलेसनेस, फियरफुल आप हो सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका डिस्टर्ब है तो आपकी जो ऑरिक बॉडी है, इलेक्ट्रिकल बॉडी अराउंड द फिजिकल बॉडी है, वो बहुत पोरस हो जाती है और उसमें कॉन्टामिनेशन होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी आपको अटैक कर सकती है और बहुत बहुत विभिन्न प्रकार के रोगों से आप ग्रस्त हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल बॉडी है वो पूरा ठीक से रहे, अनडिस्टर्ब रहे, पोरस ना बने या खंडित ना हो। उसके लिए आपका मासिक जो स्राव है ये नियमित रूप से होना चाहिए। इसको नियमित रूप से रखने के लिए आपका वीनस, मून, राहु और मार्स, ये चारों एनर्जी ठीक होना चाहिए। यदि आप जीवन में ऐसी कोई समस्या से ग्रसित है और आप चाहते हैं कि आपको कोई सलाह की जरूरत है तो आप हमसे संपर्क साधन कर सकते हैं 9845124158 एंड 8884985444। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.santoshsharma.com और एक वेबसाइट है www.astrologyrecommendation.com। और यदि आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं जैसे विनस के लिए 13 अंगी, 3rd अंगी रुद्राक्ष,
मून चंद्रमा के लिए दो मुखी रुद्राक्ष, राहु नैन मुखी रुद्राक्ष और मास मंगल छह मुखी रुद्राक्ष। यदि आप खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन, हमारा ऑनलाइन स्टोर से तो www.whitelotusspiritual.com लॉगिन करें और खरीदें। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉगिन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।